सिंघाना की रेलवे कॉलोनी के पास आग से दिव्यांग गरीब का उजड़ा आशियाना। घर में अज्ञात कारणों से लगी आग। सिंघाना की रेलवे कॉलोनी के पास वार्ड नंबर 9 में एक दिव्यांग मजदूर के घर में आग लगी। आग लगने की वजह से एक हादसे दिव्यांग मजदूर संदीप नट का हजारों रुपया का नुकसान हो गया और आग से कच्चा मकान, 3 चारपाई, कपड़े, टीवी, कूलर, फोन व लगभग 3,000 रुपये जलकर राख हो गए। संदीप ने बताया कि वह दोपहर को सो रहा था, अचानक आग लग गई जिससे अफरा तफरी मच गई। मुश्किल से बच्चों को बाहर निकाला। एक साल पहले इसी दिन करंट लगने से उसका हाथ कट गया था। थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपना परिवार का पेट पाल रहा था। आज आग लगने के कारण बचा खुचा घर का सामान वो भी नष्ट हो गया। आग लगने के कारणों को पता नहीं चला, लेकिन आग से सब कुछ जलने की वजह से सर्दी के मौसम में सिर छुपाने के लिए जगह भी नहीं बची। परिवार के लोग खुली छत के नीचे आश्रय बनाए हुए हैं, साथ ही भामाशाहों से मदद की आस लगाए हुए हैं। मैं सो रहा था तब पता नहीं पीछे से लग गई आग, सगड़े में एकदम से आग लगी। कोई घर पे थाने में अकेला था, यो था पोंछा भारी करने के लिए जाए गई हुई थी। जब इतने आए इतने तक पूरे में आग लग गई। क्या क्या सामान जल गया आपका? इसमें खाट थी, 3 खाट थी, फ्रिज था और शोकेस थी, टेलीविजन था और कपड़े लत्ते सभी, बिस्तर वास्तर सभी जल गए मेरे, तो कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा सर, सभी बढ़ गए। बस जो कागज थे मेरे वो संदूक में बचे, उसमें डब्बी में घाल रखे थे और कुछ नहीं बचा। पैसे का नुकसान हुआ है? पैसे 2-3 हजार रुपए थे, वे बाहर रख रखे थे, संदूक के नीचे कपड़े के नीचे रख रखे थे, वे 2-3 हजार रुपए थे, वे सगले जल गए। अचानक बेरो आग लाग गई, मैं तो भाग कर निकले, इतने सगड़ की में बढ़ गए, सब कुछ ही बढ़ गए। एक सिलेंडर था, वो सिलेंडर हाथ में घाल कर फिर उन्होंने बाहर न पटके सिलेंडर, तो नहीं बड़ो हादसा हो जाता और सब की में बढ़ गए, मेरे तो किमी कौन बचे। क्या नाम है? संदीप। पिता को? रामफड़।